आंकड़ों नहीं है, लाखों युवाओं की आवाज है कि हम के 1144 क्यों नहीं लगा, क्यों लगा दी गई। हम तो चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से। आप जब सैकड़ों उम्मीदवार आ गए, युवा आ गए भिन्न भिन्न प्रदेश से, और तब आप कह रहे हैं कि भाई जो है ना ये तो 1144 लगा दी गई। हमको 5 दिन पहले बताते तो हम हजारों लड़कों को जो ना यहाँ क्यों बुलाते। बंगाल से आया और हमें फकर नहीं है, हमें कोई मलाल नहीं है। अगर पुलिस युवाओं की खातिर अगर रणबीर को गिरफ्तार करती, मैंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, हमें करे। लेकिन युवाओं को कुछ नहीं होना चाहिए। युवा अपने दिवाली काली मनाने के लिए यहाँ आए, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रशासन का धोखा। हम युवाओं को भड़का थोड़ी रहे हैं, हम तो अपना रोजगार मांगने आए हैं, और अभी हम शहीद पार्क में खड़े हुए हैं और वहाँ पे लड़कों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, भगाया जा रहा। बताइए हम कहाँ हैं? जब बापू की समाधि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की समाधि पे भी आने से इनकार कर रहा है, तो ये हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है, धोखा। और हम चाहेंगे कि हमको इजाजत दे, हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते हैं, और हम सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिएगा, पुलिस प्रशासन को कुछ मत कहिएगा, ठीक है ना।